Subscribe and click the bell icon for all the television updates. जानना चाहिए कि ये क्या चल रहा है, मतलब ये क्या हो रहा था। आध्या को मायूस होता नहीं देख सकते, इसलिए वो वहाँ पहुँच गई है तो हमें तो यार किसी को भी शर्म नहीं आती किसी के बाथरूम में। एक्चुअली मेरी तो आंखों में मेरे हाथ पे चोट लगी हुई है तो ऐश हेल्प करी थी मुझे फेस वॉश उसको करने के लिए। बाकी लोगों को पता नहीं क्या लगा वो क्या कर रही है। वो जानबूझ के शी वाज स्टैंडिंग इन सच अ पोजीशन कि आध्या को ऐसा लगे कि उन्होंने दोनों इंटीमेट हो रहे हैं या कुछ आध्या को जलाने के लिए। कहीं ना कहीं आपका प्लान भी सक्सेसफुल रहा, मतलब वो जल रही थी उन्हें बुरा लग रहा था। हाँ, ऑब्वियसली फाइनली वो चली भी गई वहाँ से जय। एग्जैक्टली अभी कोई भी अगर ऐसे किसी को देखेगा तो वो जलेगा ही, रोएगा भी, सब कुछ होगा। सो जेलसी जो मेरा प्लान था वो सक्सेसफुल हुआ। और आध्या के मन में ऐसा हो गया कि वो मुझे ऐसे प्यार करती है नहीं करती, वो सोच ये सब कुछ सोच रही थी। अब उसको हर चीज़ का ज़्यादा बुरा लग रहा है, होता है ना छोटी बात को भी हम ऐसे बड़ा सोच के और उल्टा सोच के रहते हैं। तो उसके साथ शायद वो वाला फेज अभी चल रहा है। अच्छा, कहीं ना कहीं बहुत बड़ी एक्साइटमेंट के साथ वो आती हुई नजर आ रही थी और आते ही ये सब देख लिया। क्या लगता है अब वो कन्फेस करेंगे आप? मैंने उससे पूछा था कि क्या हो गया, किसी से प्यार करती हो, कौन है वो, तो सुन लो मैंने शाम को आ जाओ बताओ, तो ऐसे बताने आ रही होती है वो जो देखती है उसके बाद। एग्जैक्टली उसको काफी बड़ा शौक लगता है।